मंदिर में मंदिर का निर्माण करे और विधिवत मूर्ति की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करे और सेवा पूजा की पूरी व्यवस्था करे, उत्सव महोत्सव सेवा पूजा सब की व्यवस्था करे, इसका कितना पुण्य है बोलो? बहुत भारी पुण्य है। प्रतिष्ठा का संकल्प बोलते तब क्या बोलते हो? दस पूर्वान दशापरान एक विंशति पुरुषान उद्धर्तु कामः अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। ये संकल्प में बोला जाता है कि नहीं? ऐसा मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके और पूरी राग भोग सेवा पूजा की व्यवस्था करने वाले की 21 पीढ़ी भगवान के धाम में जाने की अधिकारिणी हो जाए, 21 पीढ़ी तर जाती है, ऐसा लिखा है महाराज। संकल्प में वो चीज पढ़ी जाती है, कितना बड़ा पुण्य बोलो। और मंदिर बनाने का जितना पुण्य है, नए मंदिर बनाने का, उससे हजार गुना पुण्य है पुराने मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार का पुण्य, हजार गुना। देखे एक नया मंदिर बनवा दो, चाहे हजार मंदिरों का नया निर्माण करके प्रतिष्ठा करा दो, चाहे एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, पुनः प्रतिष्ठा करा दो, आपको हजार मंदिर बनाने का पुण्य मिल जाएगा। अब सुन लो आगे जो हम कहना चाह रहे हैं। मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करने का जो पुण्य है, वह पुण्य वैष्णव को ऊर्ध पुण्य तिलक धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वम नयत यत पुण्य प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध पुण्रेति तस्मात् तद्धारये द्विजः। साहब एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोक हो ही आयो। पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, मंदिर बनाओ कितना खर्च होगा? अभी राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ, भूमि पूजन हो चुका है, तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम तो चाहते महाराज पूरे मंदिर पे सोना जड़ दिया जाए, ऐसा मंदिर बने काहे को छोटा मोटा मंदिर बने? तो लोग खूब दे रहे हैं, होगा बढ़िया से बढ़िया बनेगा। लेकिन आप विचार करो कि एक तिलक लगाने से एक मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने का पुण्य, और वैष्णव द्वादश तिलक लगाते हैं तो कितने मंदिर हो गए? 12 मंदिर हो गए। और सब मंदिरों में अलग अलग प्रतिष्ठा है, ललाटे केशवम ध्याये नारायण मथोदरे, सब तिलकों में अलग अलग स्वरूप की प्रतिष्ठा है। तो 12 स्वरूपों के मंदिर बना दिए, 12 मंदिर बनाने का पुण्य मिला। अब फिर दोपहर में फिर नहा लिया, फिर दोपहर में संध्या भजन किया, फिर द्वादश तिलक लगाए, और फिर शाम को फिर स्नान कर लिया, जमुना जी में गोता लगा लिया, फिर द्वादश तिलक लगाए, तो एक दिन में कितने तिलक हो गए? 36 हो गए, 36 हो गए, सही है? चल तब ठीक। अब 36 मंदिर रोज बनाए, रोज प्रतिष्ठा करी, 36 मंदिर बनाए, रोज रोज प्रतिष्ठा करी, और महात्मा कम से कम मान लो ज्यादा नहीं 50 ही वर्ष लगातार द्वादश द्वादश तिलक रोज लगाए, तो गिनती करो एक दिन में 36 मंदिर बनाने का पुण्य, तो एक वर्ष में कितने, फिर 50 वर्ष में कितने, कम से कम 50 साल का जोड़ रहे हैं हम, 50 वर्ष में कितने? 657,000। लो साहब 657,000 मंदिर बना लिए। इसलिए चित्रगुप्त महाराज जो है ना, जो भगवान की शरण में जाकर वैष्णव धर्म का
निष्ठापूर्वक पालन करने लग जाता उसका उसकी फाइल ही गायब कर देते हैं। क्या कहाँ तक लिखेंगे, कितनी कलम चलाएंगे, कितना कागज पर पुण्य लिखें। वैष्णव के पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, पर तिलक ही नहीं लगाएंगे। एक तिलक भी बड़े मुश्किल से लगाते हैं, अरे नहीं द्वादश तिलक लगाओ। ऊर्ध पुण्डभिहीनस्य श्मशान सदृशं मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव यादित्यन्तु विलोकयेत्। जिसके मस्तक पर ऊर्ध पुण्ड नहीं है उसका मस्तक श्मशान के समान है। ऐसे बिना तिलक वाले का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, पर तिलक में ही श्रद्धा नहीं। ऊर्ध्वम नयेत यत् पुण्ड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या हृद पुण्डेति तस्मात् तद्धारये द्विजः। पापकारी मनुष्य को भी भगवान के धाम तक पहुंचा देता, इसलिए इसका नाम ऊर्ध पुण्ड है। ऊर्ध पुण्ड धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाको विमानस्थो मम लोके महीते। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी मस्तक पर ऊर्ध पुण्ड तिलक है और कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाता है, पर हम विश्वास नहीं करते। शास्त्रों में जो लिखा है सर्वथा सत्य, खूब श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धा पूर्वक तुलसी बांधो, खूब श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप करो, खूब श्रद्धा पूर्वक चरणामृत लो, खूब श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसाद पाओ। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करो।